फंडामेंटल सब्जेक्ट टॉपिक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो हम आज देखेंगे। तो जो ऑक्सीजन पेशेंट मतलब किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन हो, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो, पेशेंट्स को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। जैसे कि एनोक्सीमिया और हाइपोक्सीमिया मतलब टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो तो उनको करेक्ट किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। ठीक है, तो नॉर्मल अमाउंट की जो ऑक्सीजन होती है आज के ब्लड गैसेज में वो 80 to 100 mm ऑफ HG मानी जाती है, जो नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, और अगर 60 mm HG से अगर कम हो जाती है तो उसका मतलब वो इरिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कर सकती है। और मास्क इसमें
हिसाब से होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें उसके जो कलर अलग अलग कलर कोटिंग होती है उसमें अलग अलग ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन का परसेंटेज उसमें अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको भी डायग्राम से दिखाऊंगी। उसके बाद में ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन टैंक एक कवरिंग होती है जिसमें पेशेंट या तो पार्शली या फिर फुल्ली कवर होता है और उसके बाद में उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। मतलब एक कवर जैसा होता है पूरा, ठीक है। वहाँ पे तो
ऑक्सीजन और वाटर। उसके बाद में